प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज क्लास टेंथ में आपका स्वागत है। अभिजीत क्लासेज क्लास टेंथ में आपका वेलकम है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंतर्गत आज बच्चों स्पीड, टाइम और डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाई 4 किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन शेड्यूल्ड टाइम। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है ये ट्रेन कवर्ड ये सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन समान गति से या एक ट्रेन समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है बच्चों, इफ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 3 आवर लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। यदि ट्रेन 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज होती है तो उसे निर्धारित समय से 3 घंटे कम लगते हैं। क्लियर। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 4 किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। यदि ट्रेन जहां 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम है तो उसे निर्धारित समय से पहुंचने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। शेड्यूल्ड टाइम। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। फाइंड मीन्स ज्ञात करो, लेंथ ऑफ द जर्नी यात्रा की कुल लंबाई ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, इसमें अगर देखा जाए तो बच्चों 3 केस है। कितने केस है? 3 केस है। ठीक है, एक तो जो है इसमें सर्टेन डिस्टेंस दी गई है और दूसरा इसमें यूनिफॉर्म स्पीड दी गई है ना। तो सर्टेन डिस्टेंस दी गई है, यूनिफॉर्म स्पीड दी गई है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में हम क्या निकाल लेंगे? लेंथ ऑफ द होल जर्नी। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे लेट द स्पीड, लेट द ओरिजिनल स्पीड। क्या लिखते हैं बच्चों? ओरिजिनल, क्योंकि सर्टेन है। लेट द ओरिजिनल स्पीड ORIGINAL ओरिजिनल स्पीड, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी X किलोमीटर पर आवर। क्लियर, समझ में आया? लेट द टाइम टेकन
टू कंप्लीट द जर्नी, टू कंप्लीट टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी, द जर्नी JOURNEY जर्नी, BY hours समझ में आया बच्चों? हमने क्या लेट किया, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर हावर, माना ट्रेन की ओरिजिनल चाल x किलोमीटर पर हावर है, एंड लेट द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी BY hours ठीक है। पूरी कंप्लीट जर्नी में लिया गया समय वाई हावर्स है ठीक है। पहले केस में यहां पर ध्यान से देखिए, कह रहा है ये ट्रेन कवर्ड ये सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन समान गति से एक निश्चित दूरी तय करती है, समझ में आया? तो अब हम निकाल लेंगे लेंथ ऑफ द जर्नी, क्या निकाल लेंगे बच्चों? लेंथ ऑफ द होल जर्नी, नंबर दो पॉइंट पे निकालेंगे लेंथ ऑफ द होल जर्नी, लेंथ ऑफ द होल जर्नी, लेंथ ऑफ द होल जर्नी ठीक है, इक्वल टू लेंथ ऑफ द होल जर्नी का मतलब क्या हुआ बच्चों? डिस्टेंस, और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, क्लियर? स्पीड हमने क्या लेट किया है? एक्स, और टाइम हमने क्या लेट किया है? वाई, तो ये क्या हो गया? एक्स वाई किलोमीटर, एक्स वाई किलोमीटर, समझ में आया? अब हम बच्चों निकालेंगे केस फर्स्ट, यहां पर समझ लीजिए पहले, यहां पर क्या है बच्चों कि एक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ए बी है, ये एकदम फिक्स्ड है, इस डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी ये डिस्टेंस एक्स वाई है, ये डिस्टेंस क्या है बच्चों? एक्स वाई है, क्लियर? यानी इस डिस्टेंस को कवर्ड करने में इस डिस्टेंस को कवर्ड करने में जो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड है वो एक्स है, और पूरी कंप्लीट जर्नी को तय करने में लगा समय क्या है? वाई है, यानी ये डिस्टेंस फिक्स है, इस डिस्टेंस में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगर परिवर्तन होगा तो किसमें हम कर सकते हैं? या तो हम ट्रेन की स्पीड कम कर सकते हैं, या तो हम ट्रेन की स्पीड कम कर सकते हैं, या तो हम ट्रेन का टाइम बढ़ा सकते हैं, या तो हम ट्रेन को फास्ट कर सकते हैं, ट्रेन की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, या तो हम ट्रेन, जब ट्रेन की स्पीड को फास्ट करेंगे तो टेकन टाइम क्या होगा बच्चों? कम लगेगा, समझ में आया? केस फर्स्ट कह रहा है इफ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर फास्टर इट वुड हैव टेकन 3 hours लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम, यदि ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर तेज कर दी जाती है तो उसे निर्धारित समय, तो उसे निर्धारित समय से 3 घंटे कम समय लगते हैं, तो उसे निर्धारित समय से 3 घंटे कम समय लगते हैं, समझ में आया बच्चों? अब यहां पे लिखेंगे वेन, वेन द स्पीड, वेन द स्पीड,
when the speed is faster, कह रहा है स्पीड हमने क्या माना था यस, तो इसमें क्या करेंगे फाइव को एड कर देंगे. When the speed is s plus 5 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन इज 3 आवर. समझ में आया, 3 आवर्स लिख देते हैं. कहने का मतलब यह है बच्चों, अगर हम स्पीड इंक्रीज कर दें तो होल जर्नी को कवर करने में टाइम निर्धारित समय से क्या होगा, कम लगेगा. समझ में आ रहा है? लेकिन हमारी होल जर्नी की जो डिस्टेंस है वो बच्चों क्या है, एक्स वाई है. क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है. अब एसी कंडीशन में हम टोटल जर्नी निकाल लेते हैं, क्या TOTL, टोटल जर्नी, JOURNEY, टोटल जर्नी क्या हो जाएगी, स्पीड कितनी है, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड क्या है, एक्स प्लस 5. क्लियर? और टाइम कितना टेकन कर रहा है, y माइनस 3. क्लियर? इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. टोटल जर्नी कितनी हो रही है AB के बराबर, कितनी हो रही है बच्चों, AB के ही बराबर हो रही है. यहां पर लिख देंगे AB, यानी लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, यानी टोटल इसी जर्नी को कवर करना है, तो एबी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एबी इक्वल टू आएगा बच्चों, टोटल जर्नी तो एबी है ना, एबी इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस फाइव और वाई माइनस 3. क्लियर? एक्स एबी, एबी क्या है बच्चों, एक्स वाई क्या है, एक्स वाई बराबर ये आया एक्स प्लस 5 और वाई माइनस 3. क्लियर? आइए बच्चों अब इसको हम सॉल्व करते हैं. यहां पर लगा देंगे, देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई अब एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वाई माइनस 3 से. अब इसका सेकेंड टर्म क्या है, प्लस फाइव का मल्टीप्लाई करेंगे वाई माइनस 3 से. क्लियर? इंप्लाइज दैट एक्स का वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आएगा, माइनस का 3x प्लस 5y माइनस का 15. क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, एक्स वाई का ट्रांसपोज कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दिया तो आया माइनस का 3x प्लस 5y माइनस का 15. क्लियर?
एक्स वाई कैंसिल आउट होगा बच्चों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो जीरो इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 5y माइनस का 15। क्लियर। अब यहां पर माइनस के 15 को हम इस तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं, या हम इसको अगले स्टेप पे लिख देते हैं, माइनस का 3x प्लस का 5y है माइनस का 15 इक्वल टू जीरो। कोई प्रॉब्लम? अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, 15 का ट्रांसपोज कर देंगे, क्या करेंगे 15 का ट्रांसपोज करेंगे, ये आएगा माइनस का 3x प्लस का 5y इक्वल टू 15। ठीक, क्लियर। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों केस सेकेंड, अब यहां पे हम लेंगे केस सेकेंड, क्या लेंगे केस सेकेंड। तो केस सेकेंड में कह रहा है एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 4 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन। प्रिय बच्चों केस सेकेंड में पुनः रिपीट, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर By 4 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन शेड्यूल्ड टाइम। यदि और यदि ट्रेन जहां 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो उसे निर्धारित समय से पहुंचने में 3 घंटे कम लगते हैं। समझ में आ रहा बच्चों? टोटल डिस्टेंस हमारा एबी है, ये डिस्टेंस हमारा सर्टेन डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा फिक्स्ड डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं की जा रही है। अगर चेंजिंग की जा रही है तो स्पीड में चेंजिंग की जा रही है, अगर चेंजिंग की जा रही है तो टाइम में चेंजिंग की जा रही है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? तो इसमें कह रहा है इफ द ट्रेन वर स्लोअर 4 किलोमीटर पर आवर यानी ट्रेन की स्पीड जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो ट्रेन जो है 3 घंटा अधिक समय लेती है शेड्यूल्ड टाइम अपने निर्धारित समय से। समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे मान लीजिए ये हमारा स्पीड है, अगर हम किसी की स्पीड कम कर देंगे, अगर हम ट्रेन की स्पीड कम कर देते हैं तो ट्रेन क्या करेगा, टाइम टेकन अधिक करेगा, ट्रेन क्या करेगा, टाइम टेकन अधिक करेगा, यानी ट्रेन जो है अधिक टाइम टेक करेगा। ठीक है प्रिय बच्चों, हमेशा ध्यान रखो इफ द ट्रेन स्पीड इज डिक्रीजेज देन टाइम टेकन इज आल्सो बी इंक्रीजेज। ठीक है, तो लिखेंगे व्हेन द स्पीड, व्हेन द स्पीड, व्हेन द स्पीड इज एक्स माइनस 4 किलोमीटर पर आवर यहीं पे लिख दे रहे हैं हम, एक मिनट, स्पीड इज एक्स माइनस 4 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, आए टाइम टेकन, तब टाइम टेकन क्या हो जाएगा, एंड टाइम टेकन वाई प्लस प्लस 3 आवर। ठीक है बच्चों, एसी कंडीशन में टोटल जर्नी क्या निकाल लेंगे, टोटल जर्नी जे ओ यू आर एन की वाई टोटल जर्नी
स्पीड है एक्स माइनस फोर और टाइम टेकन है बच्चों एक्स प्लस थ्री आवर, एक्स प्लस थ्री, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। इसको हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ये क्या है बच्चों? इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो टोटल जर्नी कितनी है बच्चों? एबी के बराबर। कितनी है? एबी के बराबर। एबी इक्वल टू आ जाएगा हमारा एक्स माइनस फोर और वाई प्लस थ्री। द वैल्यू ऑफ एबी, एबी की वैल्यू है एक्स वाई। क्या है एबी की वैल्यू? यहां पर लिख देंगे एक्स वाई, ठीक है। अब एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे वाई प्लस थ्री और माइनस फोर, माइनस फोर का मल्टीप्लाई करेंगे वाई प्लस थ्री से। सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो आएगा एक्स वाई, एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस थ्री एक्स माइनस फोर वाई। माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, फोर थ्री जा। अब इस एक्स वाई का हम बच्चों ट्रांसपोज कर लेंगे, एक्स वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू आ गया थ्री एक्स, थ्री एक्स, थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस ट्वेल्व। क्लियर? कितना नोट कीजिए, इधर का मिटा दे बच्चों। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे एक्स वाई कैंसिल होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? जीरो इक्वल टू थ्री एक्स, थ्री एक्स माइनस फोर वाई, फिर माइनस ट्वेल्व। यही तो आया। या हम इसको लिख सकते हैं बच्चों इस तरह, थ्री एक्स माइनस का फोर वाई माइनस का ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज दैट थ्री एक्स माइनस का फोर वाई ट्वेल्व का ट्रांसपोज कर देंगे, इस तरह चला जाएगा ट्वेल्व। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गया, ठीक है। आप देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है, माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू फिफ्टीन, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारा थ्री एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू ट्वेल्व। अगर हम बच्चों ऐड कर देते हैं तो थ्री एक्स क्या होंगे? कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। लिखेंगे एडिंग, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, ऐड कर देते हैं बच्चों, ये है थ्री एक्स माइनस का थ्री एक्स प्लस फाइव वाई, और ये है प्लस थ्री एक्स माइनस का फोर वाई इक्वल टू फिफ्टीन प्लस ट्वेल्व। माइनस थ्री एक्स से माइनस थ्री एक्स कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, फाइव वाई में से वाई निकल आएगा, फाइव वाई में से वाई सब्ट्रैक्ट होगा बच्चों, वाई आएगा, और पंद्रह और बारह कितना हो जाएगा? सत्ताईस। कितना होगा? पांच दो सात एक एक दो, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 27। क्लियर? और इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, दिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation
First, we get first है minus implies that minus 3x plus 5y plus 5y equal to 15. अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, माइनस का 3x प्लस 5, द वैल्यू ऑफ y इज 27 इक्वल टू 15, और सॉल्व करेंगे इंप्लाइज दैट माइनस का 3x, 27 में 5 को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 135 इक्वल टू 15, इंप्लाइज दैट माइनस का 3x, ये है बच्चों 15, 135 का ट्रांसपोज करेंगे इस तरफ जाएगा तो माइनस का 135, तो इंप्लाइज दैट माइनस का 3x, अब इसमें सबट्रैक्ट कर देंगे कितना आएगा माइनस का 120, कितना है बच्चों माइनस का 120, अब माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट, ठीक है यहां पर लगा देते हैं, तो इंप्लाइज दैट x इक्वल टू आ जाएगा 120 बाई 3 से डिवाइड करेंगे x इक्वल टू कितना आ जाएगा 40, 3 1 3 3 4 40, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 40, क्लियर? यस सर। इतना नोट कीजिए, x y की वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है, इधर का मिटा दें, ये तो लिख चुके होंगे ना, ना लिखे हो लिख लीजिए, अब बच्चों अब हम निकाल लिए जर्नी, लेंथ ऑफ द एल ई एन जी टी एच, लेंथ ऑफ द जर्नी, लेंथ ऑफ द जर्नी, लेंथ ऑफ द टोटल जर्नी, टी ओ टी जे ओ यू आर एन ई वाई, ये आया यक्स इंटू वाई, है ना, यक्स की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है 40, और y की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है 27, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 1080 किलोमीटर, क्लियर? ये हो गया बच्चों आपका आंसर, इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए बच्चों, हटा दें, प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्लेसेज ए एंड बी आर 160 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 8 hours, बट इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 2 hours, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, क्वेश्चन कह रहा है प्लेसेज ए एंड बी आर 160 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 160 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, एक कार बिंदु ए से और दूसरा कार बी बिंदु से एक समय में चलना प्रारंभ करती हैं।
If they travel in the same direction, if they travel in the same direction, यदि वह एक दिशा में चलती हैं, they meet in 8 hours, तो वह 8 घंटे में मिलती हैं. But if they travel towards each other, जब वह एक दूसरे की तरफ चलती हैं, they meet in 2 hours, तो वे दो घंटे में मिलती हैं. Find the speed of each car, प्रत्येक कार की चाल ज्ञात करो. प्रिय बच्चों, आइए इस कॉन्सेप्ट सॉल्व करते हैं. बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस. इसमें पहले हम लिड कर लेंगे. पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, प्रत्येक कार की चाल ज्ञात करो. लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द कार फर्स्ट. पहले कार को हम कार फर्स्ट मान रहे हैं. कार फर्स्ट इक्वल टू यस किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द कार सेकेंड. जो बी पॉइंट पर है वो कार सेकेंड है, इसको मान ले रहे हैं वाई किलोमीटर पर आवर. समझ में आ रहा है ना? इसको यह इसको वाई क्लियर. कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए. कार फर्स्ट जो है पॉइंट ए से स्टार्ट होती है एंड कार सेकेंड स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट. बच्चों केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट में कह रहा है यानी दो बिंदु हैं, एक हाईवे पर बच्चों क्या है दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है. ए पॉइंट पर एक कार है, ये जिसको कार फर्स्ट कहेंगे, क्या बोलेंगे कार फर्स्ट, ठीक है. बी पॉइंट पर भी एक कार है जिसको हम बोलेंगे कार सेकंड, क्या कहेंगे कार सेकंड, ठीक है. पहली कंडीशंस में यह है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है 160 किलोमीटर है. कितना बच्चों 160 किलोमीटर ये हाईवे के पहली कंडीशन में कह रहा है. इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 1 hour, यानी दोनों कारें जो है एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं और चलते चलते यदि ये दोनों कारें ठीक है बिंदु सी पर मिलती हैं, किस पे मान लेते हैं कि बिंदु सी पर मिलती हैं, कितने घंटे बाद 8 घंटे बाद, ठीक है. लिखेंगे since they travels in the same direction in the same direction and they meet
एट पॉइंट सी इन 8 hours। ठीक है बच्चों, अब हम निकाल लेंगे एसी। एसी का मतलब क्या हुआ, कार फर्स्ट ने ए से सी तक डिस्टेंस कवर्ड करेगा, कार सेकेंड जो बी पॉइंट पर है ये बीसी के बराबर डिस्टेंस कवर्ड करेगा। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे एसी। एसी क्या हुआ आपका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार फर्स्ट, DISTANCE, डिस्टेंस कवर्ड बाई कार फर्स्ट इन 8 hours। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर, हमने स्पीड क्या माना है, कार फर्स्ट की स्पीड क्या है, यस। प्रिय बच्चों, कार फर्स्ट की जो स्पीड है यक्स किलोमीटर पर आवर है, कितना है यह लिख देते हैं, यक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और कार सेकेंड की स्पीड जो है हमने लेट किया है वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये पॉइंट सी पर मिल रहे हैं, यस, और 8 घंटे बाद मिल रहे हैं, तो यहां पे एड कर देंगे, ये क्या आ गया 8 x किलोमीटर। क्लियर, बीसी निकाल लेते हैं बच्चों। बीसी का मतलब हुआ डिस्टेंस कवर्ड बाई कार सेकेंड इन 8 hours। ठीक है बच्चों, इक्वल टू, हम बच्चों जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और इसकी स्पीड हमने क्या लिख किया है, वाई टेकन टाइम 8, ये क्या हो गया 8 y किलोमीटर। समझ में आया, अब हम बच्चों यहां पर सॉल्व करेंगे। देखिए इन दिस फिगर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फिगर यहां पर लिख देंगे, या लिख दे रहे हैं इन दिस फिगर इन दिस फिगर एसी इक्वल टू क्या है बच्चों, ए बी प्लस सी बी ए बी प्लस बी सी ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा स्पीड किस कार की होगी, एक ए की होगी कि बी की, सबसे ज्यादा स्पीड ए कार की होगी, क्योंकि ए कार को अधिक डिस्टेंस ट्रेवल्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए ए कार की स्पीड अधिक होगी और बी कार की स्पीड कम होगी। क्यों, क्योंकि बी कार को जो है बच्चों बहुत कम स्पीड से ट्रेवल्ड करना पड़ रहा है ना। तो एसी हमारा कितना है बच्चों, 8x, यहां पे 8x लिख देंगे। ए बी हमारा जो है 80 है, ए बी कितना है 160 किलोमीटर, कितना है 160 किलोमीटर, और बी सी हमने फाइंड किया है 8y किलोमीटर। क्लियर, अब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे, 8x - 8y = 160 इंप्लाइज दैट, यहां पर सॉल्व करेंगे या नहीं कर देते हैं, अब 8 कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा बच्चों, x - y = 160 और सिंप्लीफाई करेंगे, x - y = 160 / 8 से डिवाइड कर देंगे
एक पूजा 60 है ना, इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना आया 20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों हम केस सेकंड की चर्चा कर लेते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है, बट इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 2 hours, दे मीट इन 2 hours, ठीक है बच्चों। अब केस सेकंड में क्या है, सिंस दे ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट एट, अभी फिगर बनाएंगे, एट पॉइंट सी इन 2 hours, समझ में बच्चों 2 hours। ये देखिए कार हमारी ये है, एक कार ये है, सॉरी एक स्थान ए है, दूसरा स्थान क्या है बच्चों बी है, या इसको एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी है। एक कार ये है, इस कार का नाम है कार फर्स्ट, और एक कार ये है बच्चों, इस कार का नाम है कार सेकंड, क्या नाम है कार सेकंड, और दोनों कार एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मिल रही है, समझ में आया। सिंस दे ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन दे मीट एट द पॉइंट सी इन 2 hours, ये पॉइंट सी है, यहां पर 2 hours में मिलते हैं। यदि दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे एक दूसरे से दो घंटे बाद वे बिंदु सी पर मिलती हैं। यानी इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी स्पीड क्या थी एक्स किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड क्या है बच्चों वाई किलोमीटर पर आवर, ये दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पर मिल रही हैं, सी बिंदु पर, समझ में आ रहा है। यस सर। तो अब एसी निकाल लेंगे, एसी का मतलब क्या हुआ, कार फर्स्ट ने एसी डिस्टेंस 2 hours में कवर्ड किया। बीसी की मीनिंग ये हो गई, कार सेकंड ने 2 घंटे में बीसी डिस्टेंस कवर्ड किया, ठीक है बच्चों। अब हम निकालेंगे एसी, एसी का मतलब हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फर्स्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाई कार फर्स्ट, ये निकाल देते हैं। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, स्पीड इसकी एक्स है और टाइम 2 hours लग रहा है, ये क्या आ गया 2x किलोमीटर, ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार बीसी डिस्टेंस निकालते हैं, बीसी का मतलब हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाई कार सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड बाई कार सेकेंड इक्वल टू यस इंटू टी, यस की वैल्यू वाई है, टी की वैल्यू टू,
यानी टू आई किलोमीटर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फिगर है ना, तो फिगर में अगर हम निकालेंगे तो ए सी निकाल दे, डिस्टेंस ए सी और डिस्टेंस बी सी किसके बराबर आ जा रहा है, ए बी के बराबर। क्लियर, ए सी हमारी क्या है 2x, यहाँ पे 2x किलोमीटर, और ये क्या है 2i, ये 2i, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ए बी डिस्टेंस कितना है बच्चों 160 किलोमीटर। ठीक है, यहां पर रख देंगे 160। अब इसको बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे, इंप्लाइज दैट टू कॉमन लेंगे तो आएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 160। ठीक है, अब 2 × 2 है 8 यानी 80 आ गया, तो इंप्लाइज दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू एटी किलोमीटर। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है बच्चों, कितना नोट कीजिए, इधर का मिटा दें। अब क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर लेंगे, वाई वाई क्या होगा कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट ऐड कर लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों, एक्स माइनस वाई प्लस, वो है एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये है 20 प्लस 80, वाई से वाई कैंसिल्ड आउट, एक्स एक्स ऐड हो जाएगा बच्चों, क्या आएगा 2x इक्वल टू 100। इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू 100 बाई 2, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आया 50। इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू 50 आ गया। क्लियर, अब इस एक्स की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, यहां पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20, एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों 50 माइनस वाई इक्वल टू 20, और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू, ये 20 है 50 इस तरफ जाएगा, 50 का राइट हैंड साइड क्या करेंगे ट्रांसपोज कर देंगे, तो इसका साइन क्या होगा बच्चों चेंज हो जाएगा, तो माइनस 50। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 30, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल्ड आउट हो गया। क्लियर, वाई की वैल्यू क्या आ गई 30, y की वैल्यू 30। क्लियर, इतना नोट कीजिए। प्रिय बच्चों ये इसका आंसर आ गया, यहां पे लिख देंगे हेंस द स्पीड ऑफ द टू कार, हेंस द स्पीड एंड द स्पीड ऑफ
the car and the speed of the car first is 50 kilometer per hour and the speed of the car second is 30 kilometer per hour. ठीक है, ये आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए।